आप में से बहुत सारे लोगों ने कल हीरोज ऑफ गैलेक्सी टूर्नामेंट देखा होगा। अगर जिस जिसने नहीं देखा है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हीरोज ऑफ गैलेक्सी एक टूर्नामेंट था जो गैलेक्सी रेसर ऑफ इंडिया ने कराया था, और यह टूर्नामेंट को द माफिया की टीम ने जीता था। और यह टूर्नामेंट 2 दिन चला था, डे 1 और डे 2। बट डे 2 में द माफिया की टीम में खास बात थी, द माफिया की टीम में ना फौजी भाई खेल लेते और ना माफिया बाला खेल लेते। अब आप लोग एक चीज खुद सोचो, अगर आपकी टीम में आपका आईजेली नहीं खेल रहा है और अगर आपका वाइस कैप्टन नहीं खेल रहा है, तो आपकी टीम टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कैसे करेगी। बट द माफिया की टीम बिना आईजीएल और बिना वाइस कैप्टन के टूर्नामेंट जीत गई। कैसे? अब आप में से बहुत सारे लोग मेरे से बोलोगे, भास्कर भाई द माफिया की टीम ने कल टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा अच्छा खेला तब वो टूर्नामेंट जीत गई। तो आप लोग एक चीज खुद सोचो, डे 1 में द माफिया की टीम थी 7th नंबर पे और कल वो सीधे 1st नंबर पे आई और टूर्नामेंट जीत गई। तो यहाँ पर खाली अच्छा खेलने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको इतना खतरनाक कमबैक करना है तो आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लान के साथ खेलना पड़ेगा, तभी आप इतना खतरनाक कमबैक कर पाओगे। तो वही कल द माफिया की टीम ने किया, उन्होंने प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लान के साथ खेला तभी वो टूर्नामेंट जीती। अब उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजी और क्या क्या प्लान बनाया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। द माफिया की टीम ऐसी टीम है जो पहले अपने ड्रॉप लोकेशन में उतरती है, वहाँ पर फटाफट लूट करती है, उसके बाद जोन के सेंटर में जाके बैठ जाती है ताकि दूसरा और तीसरा जोन उन पे बने और जो भी टीम जोन के बाहर से आ रही है वो उनका किल उठा सके। कुल मिला के द माफिया की टीम को जोन के सेंटर में जाके खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि द माफिया की टीम के जो आईजीएल है फौजी भाई, उनका जोन प्रिडिक्शन एकदम नेक्स्ट लेवल है, तो उनको पता रहता है जोन कहाँ बनेगा, इसलिए अपनी टीम को जोन के सेंटर में जाके बिठा देते हैं। बट कल तो फौजी भाई द माफिया की टीम से नहीं खेल लेते, तो द माफिया की टीम के पास कोई भी परफेक्ट जोन प्रिडिक्ट करने वाला नहीं था। अगर एक टाइम में माफिया वाला खेलते तो मैं मान लेता कि माफिया वाला जोन प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बट कल तो माफिया वाला भी नहीं खेल लेते, तो द माफिया की टीम में कोई भी परफेक्ट जोन प्रिडिक्ट करने वाला नहीं था। तो ये चीज द माफिया की टीम को ही पता थी, इसलिए द माफिया की टीम ने कल दिमाग लगाया। उन्होंने कल पहले के 4 या 5 मैच जोन के एज में रह के खेले और लेट रोटेशन मार के खेले, ताकि उनको जोन का सेंटर प्रिडिक्ट ना करना पड़े और वो आराम से मैच में बुइया ही मार ले। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप लोग खुद प्रूफ देखो, आप लोग बैकग्राउंड में स्क्रीनशॉट देखो, ये पहले मैच का है, यहाँ पर पहला जोन बन चुका है, तब भी द माफिया की टीम जोन के अंदर ही है। अब आप लोग बैकग्राउंड में दूसरा स्क्रीनशॉट देखो, ये दूसरे मैच का है, यहाँ पर द माफिया की टीम जोन के सेंटर में रह के नहीं खेल रही है, वो जोन के एज में रह के खेल रही है। अब आप लोग बैकग्राउंड में तीसरा स्क्रीनशॉट देखो, ये तीसरे मैच का है, यहाँ पर भी पहला जोन बन चुका है, तब भी द माफिया की टीम जोन के अंदर है, और बाकी मैच का आप लोग खुद देख लेना। अब आप लोग खुद समझ गए होंगे, कल द माफिया की टीम जोन के सेंटर में रह के नहीं खेल रही थी, कल वो जोन के एज में रह के खेल रही थी और लेट रोटेशन मार के खेल रही थी, और इस चीज ने द माफिया की टीम को बहुत ज्यादा हेल्प की टूर्नामेंट जीतने में। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रेटजी के बारे में। कल द माफिया की टीम ने दूसरी स्ट्रेटजी ये लगाई, कल उन्होंने दोनों टाइप का गेम प्ले खेला। कल उन्होंने टूर्नामेंट में अग्रेसिव गेम प्ले भी खेला, डिफेंसिव गेम प्ले भी खेला। जैसे आप पहला मैच देख लो, वाले मैच में द माफिया की टीम ने थोड़ा अग्रेसिव खेला, तो उन्होंने 12-13 किल प्लस बुइया किया। आप लोग दूसरा मैच देख लो, उन्होंने कल दूसरा मैच बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेला, तो उनके किल तो कम थे बट उन्होंने बुइया कर लिया। तो कल द माफिया की टीम ने अग्रेसिव और डिफेंसिव गेम प्ले दोनों खेला, और यही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप टूर्नामेंट में खाली अग्रेसिव गेम प्ले खेलोगे तो आप कोई ना कोई गलती पक्का करोगे और आप मर जाओगे, और अगर आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव गेम प्ले खेलोगे तो आप किल नहीं निकाल पाओगे, तो आप वैसे टूर्नामेंट नहीं जीत पाओगे। बट कल द माफिया ने दोनों टाइप का गेम प्ले खेला, तो इस चीज ने द माफिया की टीम को बहुत ज्यादा हेल्प की टूर्नामेंट जीतने में। अब मैंने आप लोग को सारी स्ट्रेटजी बता दी है, अब मैं आप लोगों को कल के टूर्नामेंट के द माफिया की टीम की कुछ लास्ट जोन की फाइट दिखाता हूँ, तो आप लोग द माफिया की टीम की लास्ट जोन की फाइट देखो। असल में कोई क्लैश क्वाड नहीं है, बैटल रॉयल है, बट क्या गेम किसके खाते में, क्योंकि दोनों ही टीम्स फाइनली ओपन में आ चुके हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा ग्लू वॉल उसी का ही गेम होने वाला है। जी बिल्कुल, आरडीपी के पास यहाँ पे एक ही वॉल बची हुई है, बट ही इज रेडी फॉर द फायर शॉट एंड सामने होने वाले हैं लिखी। यहाँ पे जेवाईटी ने अपनी स्नाइपर की स्कोप खोली, बट आई डोंट थिंक कि वहां पे कनेक्ट हुआ इनका शॉट, बट आगे बढ़ते हुए जेवाईटी आगे जाएंगे एंड क्या यहाँ पे किल लेंगे। जी हाँ, डैमेज जरूर दिया, बट एक और शॉट और वहां पे प्लेयर नॉक हो जाते, बट यहाँ पे जय को नॉक कर दिया गया। पहाड़ी भी वहां पे नॉक हो चुके, माफिया आगे बढ़ते लवली शॉट बाय माफिया एंड जी हाँ, माफिया का पुरपुरख भूया कंफर्म है। अगर यहाँ कोई गलती नहीं करी तो पुरपुर भूया आपके खाते में आ सकता है, क्योंकि TWOBB भी पुरपुरी डिसएडवांटेज होने वाली। यहाँ पे जो एंग्री थे उनको भी यहाँ पे खत्म करा जाएगा। यहाँ पे शिव के बारे में बात करेंगे, वो शॉट लेंगे, किल कंफर्म करने का ट्राई करेंगे, और ऊपर माफिया के ऊपर भी शॉट दिए जा रहे हैं। शिवम की पोजीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली दोनों ही टीम्स के ऊपर, क्योंकि अगर शिवम ने जिस भी टीम के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव डालने का ट्राई करा, वो टीम यहाँ पे एलिमिनेट होगी। TWOBB यहाँ पे देखते एलिमिनेट हो जाएगी, नेट जाएगा लिखी का, और ऊपर ऊपर शॉट को किल कर देंगे। देखते देखते यहाँ पे टीम माफिया अपना भूया निकालेगी। अब आप लोग ने द माफिया की टीम की लास्ट जोन की फाइट भी देख ली होगी। अब आप लोग कमेंट करके पक्का बताना आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो 1K लाइक कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।